दादी, हमारे घर में जो मेहमान आए हुए हैं वो सिर्फ आपकी बहू को आशीर्वाद देंगे। दादी, वो तो नहीं आए। जरा सा जूस गिरने पर इतना गुस्सा। रुक, मैं आती हूँ। अब अरे रुकिए दादी, हम क्या कह रहे थे कि अगर वो नहीं आना चाहते तो ठीक है ना, उनका मन नहीं है तो फिर जबरदस्ती यहाँ लाने का क्या फायदा? क्या फायदा मतलब? ये सारे मेहमान तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं और ये पार्टी तुम्हारे लिए और एजे के लिए रखी गई है, और आशीर्वाद जोड़े को दिया जाता है। तुम क्या अकेले आशीर्वाद लोगी बिना पति के? बताओ। दुर्गा जी, क्या हुआ? सब लोग इंतजार कर रहे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद सेरेमनी होगी भी कि नहीं? और जिस तरह से एजे गए हैं, हमें नहीं लगता कि अब वो वापस आएंगे। हमें लगता है कि हमें अब चलना चाहिए। रुकिए रुकिए, आपको आशीर्वाद ही देना है ना, तो आप आशीर्वाद दे दीजिए। और इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मिस्टर जिंदल यहाँ पार्टी में होंगे या फिर वहां अपने कमरे में? आपका आशीर्वाद तो उन तक पहुंच जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसे अगर आपका मन नहीं बढ़ता ना, आप है ना, उनके हिस्से का आशीर्वाद भी हमें दे दीजिए। हाँ हाँ, और फिर हम आपका आशीर्वाद उन तक पहुँचा ही देंगे। सर, ये क्या कह रही हैं? बिना इजे के रिसेप्शन करेंगे? हाँ हाँ, चलिए आइए आइए, हमें ना यहाँ बैठ जाते हैं, आप सब लोग है ना हमें आशीर्वाद दे दीजिए। लीजिए, आइए आइए। क्या कर रही हो तुम? रिसेप्शन में अकेली बैठोगी एजे के बिना? हम चाहते तो नहीं है पर क्या करें, इतने सब लोग आए हुए हैं ना, और इतने सब लोगों को आशीर्वाद के लिए मना तो नहीं कर सकते है ना। दुर्गा बहू, गुड्डन बिल्कुल सही कह रही है, और फिर ये मेरे लल्ला की पत्नी है, मने अर्धांगनी। मेरी गुड्डन आज फिर एक नया इतिहास रचेगी। अकेली दुल्हन बिना अपने पति के शादी की रस्म पूरी कर सकती है। लल्ला को नहीं आना है तो ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो रहा है यहाँ, दूल्हे के बिना रिसेप्शन? अरे ये भी तो देखो, ये गुड्डन है, गुड्डन गुड्डन है तो कुछ अलग ही होगा ना। आप लोग आइए और आशीर्वाद दीजिए। अरे ऐसा रिसेप्शन पूरे इंदौर ने तो क्या, पूरे इंडिया ने नहीं देखा होगा। जा बेटा, थाल लेके आ। सबसे पहले मैं अपनी गुड्डन को आशीर्वाद दूंगी। ऐसी भी क्या जिद लल्ला, अपनी पत्नी को अकेला क्यों छोड़ दिया?
चलिए एक बार ट्राई करेंगे। नहीं पहननी तुम्हारी ये शर्ट मुझे। मारी दी हुई पिंक शर्ट पहन ली। क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? आ गए? नहीं, अभी अपने कमरे में ही बैठा हूं। आना तो था ही, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि मुझे कभी कभी कुछ चीजें दूसरों की खुशियों के लिए भी करनी चाहिए। तुम्हारी ये दी हुई शर्ट फेंक दी थी ना मैंने, तो इसे मेरा सॉरी बोलने का तरीका समझ लो। ओके रेशमा जी, अच्छा है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपकी आंखें सही होती ना तो परमानेंटली के लिए बंद हो जाती। क्यों सरू, अब ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ये जी रिसेप्शन पार्टी में आए तो हैं गुलाबी कलर की शर्ट पहन के। वो तो हाँ, ये जी इस रंग के शर्ट में, पता नहीं इस गुड्डन ने क्या जादू कर दिया ए जे पे। कहीं ए जे इस गलतियों की दुकान के प्यार में तो नहीं पड़ गए ना? ये क्या हो रहा है? लल्ला बहुत अच्छा किया बेटा तू आ गया। ये शर्ट और ये कलर बहुत जच रहा है बेटा तुझ पर। मतलब के तार, फिर भी गोद लिया पूरा परिवार। एक काम करता हूं, यही जलाकर इस बॉक्स का काम तमाम कर देता हूं। माचिस, तूने अपने पति होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई बेटा। तुम दोनों को साथ देकर मैं बहुत खुश हूं। भगवान इसी तरह तुम दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बस घूरती रहोगी कि कुछ कहोगी भी? वैसे ना थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपने हमारा मान रखा। आपको पता हमने ना होशियार होशियार में ऐसे बोल तो दिया कि ठीक है हम अकेले बैठ जाते हैं, हमें आशीर्वाद दे दीजिए। आपको सच बताएं बैन बजी हुई थी हमारी, इतना डर लग रहा था ना बाप रे। और जैसे आपको देखा ना दिल का तसल्ली हो गई, हमें शांति मिल गई कि अच्छा अब आप आ गए, हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। थैंक यू। ड्रामा हो गया हो तुम्हारा तो अब वो कर लो जिसके लिए तुमने ये रिसेप्शन का तमाशा रखा है। पकड़ो अपने उस किडनैपर को और खत्म करो ये सब। हाँ, हम दो मिनट में आते हैं, मास्क लगा आते हैं। तो मैं अपने दूध का दूध और पानी का पानी लेकर अभी देखिएगा। अरे तू कहाँ जा रही है? वो मास्क लेने। तेरे मास्क में यही मंगवा देती हूँ, तू जा लल्ला के साथ बैठ। रेशमा
बस थोड़ी देर और, फिर देखना आप गुड दिन का कमाल। इसी ना चटकी बजा कर इसे पकड़ देंगे हम इस भीड़ में से उस किडनैपर को। वेरी कॉन्फिडेंट, ऑल द बेस्ट। इतने बड़े घर में एक माचिस नहीं है। एक काम करता हूँ, अपने कमरे में ले जाता हूँ, वहीं पे इसे जला दूंगा। ये जगह सही है गुड्डन के अरमानों को जलाकर खाक करने के लिए। दवाई तुम्हें वही भूल गई, लेके आना पड़ेगा। इन्हीं मास्क के जरिए तो मुझे पकड़ना चाहती थी ना गुड्डन, पर देख मैंने तेरे अरमानों को कैसे धुएं में उड़ा दिया। अब तो जिंदगी भर ये साबित नहीं कर पाएगी कि तेरी बहन का अपहरण मैंने यानी पर्व ने किया था। ये अजीब सी गंध कहां से आ रही है? कुछ जलने की गंध है। अरे भरो, तू यहां सिद्धि के साथ क्या कर रहा है? ये जलने की गंध यहाँ से आ रही है ना? अरे दादी, दादी मैं दरअसल सोच रहा था कि सोच रहा था। तू क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था कि बदबू तो आ रही है। हाँ, आ रही नहीं यहाँ, पर यहाँ से नहीं, मेरे ख्याल से ना बाहर से आ रही है। मैं जाकर देखता हूँ, अभी जाकर। और तू छोड़ इन बातों को, जल्दी से सिद्धि को लेके नीचे आ जा। उसका मास्क वाला डांस शुरू होने वाला, मैं भी अपनी दवाई लेके फटाफट आती हूँ। अच्छा जल्दी से। आराम से आइए दादी, अभी जल्दी आने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि गुड्डन का मास्क वाला डांस तो होने से रहा। दादी, तब से आप लोगों को तो ढूंढ रहे थे हम। हाँ? वो मास्क वाला डब्बा, वो मास्क वाला डब्बा, लक्ष्मी।
लेके आ रही। अरे अरे ये नीचे। बस 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 फाइनली वो दिन आ गया गुट्टन, जब उस किडनैपर को पकड़ के दिखाएंगे। खोलिए खोलिए सासू माँ, अब इस डब्बे के खुलते ही मुझे पकड़ने के आपके सारे अरमान टूट कर चूर चूर हो जाएंगे। क्या हुआ सासू माँ, चौंक गई ना? अब ये होता है बर्फ से टकराने का अंजाम। लग रहा है कि मास्क ना थोड़े कम आ गया, पर कोई नहीं मैनेज हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, मैंने तो खुद अपने हाथों से जलाए थे ये सारे मास्क। ये इस डब्बे में ये मास्क वापस कैसे आ सकते हैं? ये अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हो आप? लक्ष्मी जी क्या हुआ आपको? अभी तक तो आपकी आंखें खराब थी ना, अब मेरे जैसे कैसे बन गई, मतलब लंगड़ी कैसे बन गई? ये सब उस टिया की वजह से हुआ है। अरे हम तो अच्छी खासी बैठे हुए थे कि दादी आई और हमको बोलती है कि जा लक्ष्मी मेरे कमरे से वो गुड्डन का डब्बा ले आ। दादी को मना भी नहीं कर सकते, फिर हम चले गए डब्बा लेने के लिए। मतलब तुम? हाँ हम, पर तुम कौन? अरे पर भैया हैं। माफ करना माफ करना, मेरा मतलब आप गई थी वो डब्बा लेने। और नहीं तो क्या, हम ही तो लेके आए, पर क्या लाए से जरूरी है ये बताना कि हम कैसे लाए। हम गए वहां पे डब्बा लेने के लिए। पता नहीं कौन से जन्म के बदले ले रही है ये सासू माँ। आंटी के साथ लंगड़ी भी बना दिया, अब डब्बा कहाँ गया? सासू माँ इनको छोड़ूंगी नहीं। ये हुआ, अब सर बहुत बोल गया, प्यास लगी है बहन, अब चल के पानी पिला दे। हाँ, सोच सोच बर्फ, कुछ तो सोच। अगर एक बार ये मास्क पहन के गुड्डन के सामने आना पड़ा ना, तो समझ ले बेटा तेरा गेम ओवर।